तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, दिवाली आने वाली है, तो दोस्तों आपके पास भी कुछ इस तरीके की जो कि लड़ी झालर होगी। तो दोस्तों आप क्या करते हो, जब ये ख़राब हो जाती है तो इसको आप फेंक देते हो। तो दोस्तों आज के बाद इसे आपको फेंकना नहीं है, आपको इसको रिपेयर करना है। दोस्तों इसको काफ़ी आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हो और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से रिपेयर की जाती है ये। तो दोस्तों इस लड़ी का सबसे आसान तरीका जो कि रिपेयर करने का है वो ये है। दोस्तों ये जो लड़ी होती है सीरीज में जलती है, और जब इनकी एक सीरीज टूट जाती है या एक बल्ब इसका ख़राब हो जाता है तो ये पूरी जो कि लड़ी झालर बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो कि दो लाइन होती है, तो इसकी एक लाइन तो जल रही है और एक लाइन नहीं जल रही, तो आप देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो कि एक लाइन तो जल रही है और एक लाइन नहीं जल रही है, तो ये जो कि इसकी एक लाइन ख़राब है। तो इसकी जो कि जैसे आप देख सकते हो ये बल्ब जल रहा है और ये नहीं जल रहा है। तो भाई इसके लिए जो कि आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जो कि एक बल्ब ढूंढना होगा कि वो कौन सा बल्ब ख़राब है। तो उस बल्ब को ढूंढने के बाद ही ये जो कि लड़ी पूरी तुम्हारी जलने लगेगी। तो दोस्तों इसके जो बल्ब होता है ये सीरीज में लगे होते हैं, तो एक बल्ब के सीरीज के अंदर की जो कि जंजीर होती है वो टूट जाती है, तो ये जो कि लाइन बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आपकी दूसरी लाइन भी बंद हो तो दो बल्ब आपको इसमें ख़राब मिलेंगे। अगर आपकी लड़ी जो कि सिंगल लाइन की है तो उसमें आपको एक ही बल्ब ख़राब मिलेगा, अगर डबल लाइन की है तो आपको उसमें दो बल्ब ख़राब मिलेंगे। तो इसी तरीके से जो कि आप इसे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो कि एक लाइन हमारी बढ़िया चल रही है और दूसरी लाइन में हमें जो कि बल्ब ढूंढना है कि हमारा कौन सा बल्ब ख़राब है, और जब ये जो कि सभी जो पूरी लड़ी है जब ही जलेगी। तो हम इसके अंदर जो कि एक बल्ब ढूंढते हैं और जब फिर देखते हैं कि ये जलती है या नहीं। तो गाइस एक एक बल्ब चेक करना है आपको कि किस बल्ब के अंदर जो कि जंजीर टूटी हुई है, तो अच्छी तरीके से आपको चेक करना है और उस बल्ब को आपको निकाल लेना है। तो मैं एक एक करके देख रहा हूँ गाइस के अंदर कौन सा बल्ब की जो कि जंजीर टूट रही है। काफ़ी आसानी से इसकी जंजीर जो कि दिख जाती है, ये सबसे अच्छा तरीका गाइस इसे रिपेयर करने का। इसमें आपके कोई कटिंग पटिंग वगैरह नहीं होगी ज़्यादा, और ये काफ़ी इजीली सही हो जाएगी। तो गाइस जोन सा हमारा जो कि बल्ब ख़राब है तो वो हमें इसके अंदर जो कि मिल गया है, आप देख सकते हो। कैमरे में यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जो कि जंजीर अंदर से टूटी हुई है और इसी बल्ब को आपको निकालना है, और दूसरा बल्ब इसकी जगह आप लगा सकते हो या फिर इसको आपको यहाँ पर ही बराबर टच कर सकते हो तो ये जब भी जल जाएगी। तो गाइस इसका यही बल्ब ख़राब है जिस वजह से ये पूरी लड़ी झालर मतलब आधी लड़ी झालर बंद हो गई है। अगर आपकी पूरी लड़ी झालर बंद होती है तो समझ लो आपकी जो कि लड़ी लाइट है उसके अंदर दो बल्ब ख़राब मिलेंगे। तो फिलहाल ये आधी जल रही है और आधी नहीं जल रही है, तो इसके लिए इसमें एक ही बल्ब ख़राब हुआ है जिससे ये एक लाइन बंद हो गई है इसकी। तो इस बल्ब को आपको निकाल लेना है और इसकी जगह आपको इसको यहाँ पर आपस में टच भी कर सकते हो तो तब भी ये चल जाएगी। फिलहाल मैं इसको जो कि निकाल रहा हूँ और इसकी जगह मैं दूसरा ही बल्ब लगाऊंगा। अगर आप भी दूसरा बल्ब लगाते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कि बल्ब जो कि ख़राब था, और हम इसको आप टच करके देखेंगे कि भाई हमारी जो कि लड़ी जलती है नहीं। तो यहाँ पर जो कि मैं पहले तार लगा लेता हूँ। तो अब गाइस हम इसको जला कर देखते हैं कि ये जल पाती है नहीं। तो आप देख सकते हो मैं जैसे यहाँ पर तार लगाता हूँ तो गाइस ये अब भी नहीं जल रही है, क्योंकि इसका एक बल्ब और ख़राब है। एक लाइन में दो बल्ब भी ख़राब निकल सकते हैं, तीन भी ख़राब निकल सकते हैं, यह लड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये अभी नहीं जल रही है, तो हमें इसके अंदर एक आध बल्ब और ढूंढना होगा तो ये जब भी जलेगी तो इसका एक आध बल्ब और ख़राब है। तो चलिए दोस्तों उसको भी ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा बल्ब भी जो कि ख़राब था वो भी हमें मिल गया है, और गाइस ये बल्ब हमारा जो कि दूसरा वाला इसमें ख़राब है, तो इसको भी गाइस हम यहाँ पर जो कि चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है, अब गाइस देखते हैं कि ये लड़ी पूरी जल पाती है नहीं। तो गाइस तो सबसे पहले गाइस हम इस जो कि बल्ब को चेक कर लेते हैं ये जल पाता है नहीं। ये 12 वोल्ट का बल्ब होता है, तो आप देख सकते हो ये बल्ब नहीं जल पा रहा है,
और ये बिल्कुल नहीं जल रहा है। और गाइस दूसरे बल्ब को भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो ये भी नहीं जल रहा है। तो अब गाइस जो कि हम इसके दोनों वायर यहाँ पर हमारे दो बल्ब हमारे निकले हुए, तो यहाँ पर आप दूसरे बल्ब भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो कि दूसरा ही बल्ब लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको दूसरी लड़ी का जो कि बल्ब मिल जाएगा, ख़राब लड़ी आपके पास पड़ी होगी तो उसमें से भी आप निकाल सकते हो जो ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मैं इनको जो कि इसमें लगा दूंगा दोनों तरफ इसी तरीके से जैसे आपने निकाले, वैसी दूसरा बल्ब आपको लगा देना है इनमें। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा बल्ब भी लगा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इस बल्ब को चेक कर लेते हैं कि ये जल रहा है नहीं। तो आप देख सकते हो ये 12 वोल्ट से काफ़ी अच्छा जल रहा है। और इस बल्ब को भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये बल्ब भी काफ़ी अच्छा जल रहा है। अब दोस्तों हम इस लड़ी की झालर को जो कि जला कर देखते हैं 220 वोल्ट एसी से कि ये जल रही है नहीं। तो यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देंगे हम इसे। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी लड़ी झालर जो है वो काफ़ी अच्छी ग्लो कर रही है और सभी जो कि बल्ब हमारे जल रहे हैं, कोई एक भी बल्ब हमारा यहाँ पर जो कि ख़राब नहीं है। तो आप देख सकते हो जो हमने बल्ब लगाया था वे वाले बल्ब भी काफ़ी अच्छी तरीके से जल रहे हैं, देख सकते हो। और ये वाला बल्ब भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा जल रहा है। और पूरी लड़ी झालर जो है हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, बिल्कुल भी इसके अंदर जो कि दिक्कत वगैरह नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पर पहले तो टैपिंग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी यहाँ पर जो कि टैपिंग भी हो गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमने टैपिंग कर दी है। तो दोस्तों अब आपको जो कि लड़ी झालर है तो इसका आप कहीं भी लगा सकते हो, ये बिल्कुल सही हो गई है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरीके की हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी।